Hi, you are watching Naman Mahajan, and in this video I will show you how to animate any image with this effect in Premiere Pro. So further any delay, चलिए शुभारंभ करते हैं। तो हम आ गए हमारे प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर पे। यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ आपको जो नाम देना आप दे सकते हैं, मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ, बाकी सब सेटिंग्स मेरी सेम है। एंड मैं प्रेस करता हूँ ओके। तो हमारा प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। मेरे पास है अभी असेंबली मोड, यहाँ से मैं कर लेता हूँ एडिटिंग मोड। आपके प्रीमियर प्रो पे यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे हमारी फुटेज जिसमें हमें एनिमेट करना है। मैं करता हूँ डबल क्लिक, मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरी इमेज को, इन सेलेक्ट ओपन। मैं मेरी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं टू माय टाइमलाइन। यहां पे मेरी इमेज आ गई है। नेक्स्ट में सिलेक्ट करता हूं मेरी फुटेज को। मैं आता हूं यहां से इफेक्ट्स में, हम लोग यहां पे भी आ सकते हैं इस क्लिप, ठीक है। और हम चाहे तो यहां से हम यहां पे इफेक्ट्स पे भी आ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। यहां पर मैं टाइप करता हूं टर्बुलेंट डिस्प्लेस, इसे हम डायरेक्ट डबल क्लिक कर देते हैं तो हमारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसे मैं ऐसे करता हूं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो हम आ गए इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे। यहां पे मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं, हमें सब क्लोज कर देते हैं। मुझे मोशन नहीं चाहिए, मुझे ओपेसिटी नहीं चाहिए, मुझे टाइम रीमैपिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टर्बुलेंस डिस्प्लेस। यहाँ पे आप देखोगे तो इससे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हम यहाँ को बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस अमाउंट, साइज, ऑफसेट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इवोल्यूशन में थोड़े से चेंजेस करेंगे जिससे हमें दिखेगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो हमारा देखेंगे तो हम थोड़ा सा हमारा एनिमेट हो रहा है, तो हम कम करते हैं तो इसमें हमको चेंज दिखने में मिल रहा है, इस टाइप से हुआ। नेक्स्ट हमारा साइज भी हम इंक्रीज कर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, सी दिस मूविंग इफेक्ट। तो मैंने इन सबको कर दिया कंट्रोल जेड। अब आ गए हमारे डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे मैं अभी आप देखोगे मैं प्ले करता हूँ स्पेस बार से, तो मेरा कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं इन सब चीजों को, मैं जितनी भी की फ्रेम से इन सबको यहाँ से ऑन करता हूँ। एंड में जाता हूँ एक टू द लास्ट ऑफ द फ्रेम, यहाँ पे आके मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। मैंने ये चेंज करा, मुझे थोड़ा सा ये चेंज करना है, थोड़ा सा ये भी कर देते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी मैं इंक्रीज, नहीं कॉम्प्लेक्सिटी मैं देते क्योंकि इससे हमारा थोड़ा सा टेक्सचर बिगड़ रहा है, तो मैं वही नहीं देता हूँ। इवैल्यूएशन देख लेते हैं इससे कुछ चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम प्रॉपर एक वन, ठीक है। तो ये वन मेरा रोटेशन है, हमको कितना रिपीट करना है, और ये मेरी डिग्री है, तो इसे हम एक नॉर्मल रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी दिस बाय प्लेइंग स्पेस बार बटन, ये मेरा इस टाइप से कुछ प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं और आप मल्टीपल इमेजेस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी स्टिल इमेज में एक मूवमेंट एनिमेशन डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट इन प्रीमियर प्रो 2021। और आपके पास लोअर वर्जन है तो उसके अंदर भी आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।